हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रम्मी फॉरवर्ड ऑनलाइन रम्मी ऐप के बारे में। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में आपके ऐप में भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, Paytm से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप से आपको जाना है बैक। ऐप से बैक जाने के बाद में आपको सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को आप ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर ही आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सर्च सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐप सर्च करना है, ऐप इन्फो का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐप को देख लेना है, ऐप कहाँ पर है, ऐप पर करना है क्लिक। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके क्लियर स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। बैक जाना है, परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको देना है परमिशन। परमिशन देने के बाद में बैक जाना है, ऐप को करना है ओपन। ऐप को करना है ओपन, अकाउंट को करना है लॉगिन। अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी सॉल्व। तो इसी टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।